तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान संविदा कर्मी सेवा नियम। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि 11 जनवरी 2022 को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रोल्स लागू किए गए थे, यानी कि कार्मिक विभाग ने 11 जनवरी 2022 को संविदा सेवा नियमों का अनुमोदन किया था। तो वो कार्मिक विभाग का अनुमोदन था, लेकिन कार्मिक विभाग के बाद अब वित्त विभाग राजस्थान ने भी इन नियमों का अनुमोदन कर दिया है और इसके लिए जो आदेश है वो जारी कर दिया है। सेवा नियम क्या बनाए थे उसका वीडियो पहले से ही अपलोड है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा और PDF फाइल्स को पढ़ करके भी समझ लिया होगा। लेकिन वित्त विभाग ने ये जो सेवा नियमों का आदेश जारी किया है इसमें क्या है वो यहाँ पर देखिए, और इसमें सब्जेक्ट लिखा गया है राज्य के समस्त निगम, बोर्ड, उपक्रम, विश्वविद्यालय, स्वायत्तशासी संस्थाओं में अनुबंध के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिया गया है, दिनांक 11/1/2022 से जारी नियमों को अडॉप्ट करने बाबत। यानी कि वित्त विभाग का ये कहना है कि 11 जनवरी 2022 को जो सेवा नियम किए जारी किए गए थे उनको अडॉप्ट करने के लिए ये जो आदेश है जारी किया गया है। और इसकी जो बजट घोषणा है बिंदु संख्या 128 पर भी मुख्यमंत्री ने इस बार जो बजट 23 फरवरी को जारी किया था उसमें भी इस बात की जानकारी दी थी, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 की जानकारी दी थी। आप दोस्तों, इसमें क्या है यहाँ पर देखिए, ये लागू किए गए हैं। इसी के साथ पूर्व कार्यरत संविदा कर्मियों की स्क्रीनिंग कर इन्हें भी नियमों के तहत लाए जाने का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है। अब बहुत सारे इसमें कन्फ्यूजन आप लोगों को होंगे, बहुत सारी समझने में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल सटीक बातें बता रहा हूँ इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है लेटर जारी किया गया है सभी निगम बोर्ड, यानी कि जितने भी निगम यहाँ पर भर्ती करते हैं चाहे संस्था करती हो, उन सब के लिए लागू होगा। और इसमें कहा गया है कि गवर्निंग जो बॉडी है, यानी कि संबंधित मान लीजिए पंचायत सहायक आप ले लीजिए, ठीक है, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, तो पंचायत सहायक के लिए जो गवर्निंग जो बॉडी होगी पंचायती राज विभाग होगा, तो उसकी पहली बैठक में इन नियमों को अडॉप्ट किया जाए, यानी कि ग्रहण किया जाए। अडॉप्ट का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, देखिए, प्रमुख शासन सचिव राज्य के उपक्रम विभाग को प्रेषित कर अनुरोध है कि उनके क्षेत्र अधिकार में आने वाले बोर्ड, निगम इत्यादि में बजट घोषणा की क्रियान्विति हो तो उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित की जाए। अब ये तो हो गई आदेशों की बात। अब इसमें दोस्तों क्या कुछ नया है, क्या कुछ इसमें दिया गया है वो समझ लेते हैं बिल्कुल सिंपल सी भाषा में। अब देखिए, यहाँ पर ये जो नियम है इनको किस तरीके से अडॉप्ट किया जाना है, क्या प्रक्रिया अपनाई जानी है वो सुन लीजिए। यानी कि ये जो नियम है जो पहले से कार्यरत थे उन पर भी लागू हैं, और जो अब आगे भर्ती किए जाएंगे संविदा के रूप में कर्मचारी उन पर भी लागू हैं, मोटा मोटी तौर पर बात ये है। अब पहला इसमें ये है, राजस्थान सिविल पदों पर जो नियम संविदा पर रखा जाना नियम 2022, इन नियमों के जारी होने के पश्चात संविदा पर रखे जाने वाले कार्मिकों के साथ ही इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को नियुक्त संविदा कार्मिक जिनका चयन सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित कर किया गया हो पर लागू होंगे। किन पर लागू होंगे, यानी कि इन सेवा नियमों के तहत वैकेंसी निकाली जाएगी कॉन्ट्रैक्ट्स पर, विज्ञापन जारी किया जाएगा सार्वजनिक रूप से पेपर्स में या संबंधित विभाग विज्ञप्ति जारी करेंगे, तो उन पर ये नियम लागू होंगे। पहली बात इसमें ये है, इन नियमों के तहत संविदा पर कार्मिक लगाए जाने से पूर्व वित्त विभाग से पद सृजित करवाए जाना आवश्यक होगा। यानी कि जो भी एजेंसी, जो भी बोर्ड, उपक्रम, निगम है या संस्था है वो भर्ती करेगी तो क्या करना होगा, उसे वित्त विभाग से इन पदों को सृजित करवाना होगा। मान लीजिए कोई भी विभाग है उसको 50 कार्मिक चाहिए, ठीक है, 50 संविदा पर कर्मचारी चाहिए, तो वो पहले क्या करेगा, वित्त विभाग से पद सृजित करवाएगा, पदों का सृजन करवाएगा। उसके बाद क्या होगा, सभी विभाग अपने अधीन परियोजनाएं हैं कार्यक्रम में संविदा के पदों की विस्तृत सूची तैयार कर वित्त विभाग से पद सृजित किए जाएंगे, ठीक है। तो ये दूसरी बात हो गई इस नियम की। तीसरा यहाँ पर है दोस्तों, विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में संविदात्मक पद पहले से सृजित हैं, इन पदों को इन नियमों के दायरे में लाने के लिए विभाग द्वारा पुनः वित्त विभाग से अनुमति लेकर इन पदों के नियमन 4 के तहत अधिसूचित किया जाएगा। नियम 4 के तहत पद अधिसूचित करने के समय
पद की अवधि का भी उल्लेख किया जाएगा। उक्त अवधि के पश्चात पद की आवश्यकता रहने पर वित्त विभाग से पद की अवधि बढ़ाते हुए पुनः अधिसूचित किया जाएगा। इसमें कहना है वित्त विभाग का कि भाई जो अगर पहले से भी पद सृजित है ना, तो फिर से एक बार वित्त विभाग की अनुमति लेकर के पदों के सृजन की अधिसूचना यहाँ पर जारी करनी होगी, ठीक है। और उसके बाद उसकी जो सेवा अवधि है उसको भी यहाँ पे बताना होगा। तीसरी बात ये है। चौथी बात ये है दोस्तों, थोड़ा सा गला खराब है, जो संविदा कार्मिक सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया के माध्यम से चयनित होकर इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि को पहले से नियोजित हैं, उन्हें विभाग द्वारा वित्त विभाग से पद सृजित करवाने और अधिसूचित करवाने के पश्चात इन नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप में आदेश जारी करते हुए पुनः अनुबंधित किया जाएगा। अब ये किन के लिए है दोस्तों, ये फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि जो संविदा कार्मिक सार्वजनिक विज्ञापन के यानी कि पब्लिक डोमेन में जो विज्ञापन है उसके तहत चयनित होकर इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि से, यानी कि आज की डेट में कोई अगर पहले से कार्यरत है, ठीक है, जो आज की डेट में जो पहले से कार्यरत है उन्हें भी वित्त विभाग से पद सृजित करवाने और अधिसूचित करने के पश्चात निर्धारित प्रारूप में आदेश जारी करते हुए पुनः अनुबंधित किया जाएगा, यानी कि उनको पुनः अनुबंधित करना होगा कि भाई तुम्हें इतने समय के लिए रखा जाएगा। पांचवा नंबर है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही काम की चीज़ है। और जो पहले से कार्यरत हैं दोस्तों, जो पहले से रखे गए संविदा कार्मिकों को इन नियमों के तहत आदेश द्वारा रखे जाने के पश्चात इसे नवीन संविदा माना जाएगा। पुरानी संविदा सेवा के आधार पर वेतन नियतन के संबंध में प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से निर्णय किया जाएगा। यानी कि अगर आप पहले से कार्यरत संविदा कर्मचारी हैं राजस्थान के किसी भी बोर्ड उपक्रम संस्था में, तो आपको ये जो नियम हैं इनके तहत क्या माना जाएगा, नवीन संविदा माना जाएगा। और पुरानी संविदा सेवा के आधार पर, पुरानी जो सेवा है, मान लीजिए आप 2 साल पहले काम कर रहे, 2 साल हो गए आपको काम करते हुए, तो आपका उसके आधार पर क्या होगा, वेतन नियतन, ठीक है, जो पेमेंट है वो बढ़ सकता है, लेकिन आपको नवीन संविदा कर्मचारी माना जाएगा इन नियमों के लागू होने के पश्चात। जो पहले से कार्यरत कर्मचारी हैं उनके लिए तो आप देख सकते हैं लाभ है कि हानि है। छठा यहाँ पर है दोस्तों, वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, छठा यहाँ पर है, इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी संविदात्मक पद पर नियुक्ति सार्वजनिक विज्ञापन जारी करने के पश्चात और पूर्व निर्धारित पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसार आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए की जाएगी। इसमें कहना है कि ऐसा नहीं है कि विज्ञापन कोई विभाग जारी ना करे, ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट पर रख ले, तो इसके लिए क्या होगा कि विज्ञप्ति जारी की जाएगी, जैसे स्थायी भर्तियों की होती है उसी तरीके से आरक्षण उसमें दिया जाएगा, जिस वर्ग को जितनी सीटें मिलनी है वो मिलेंगी। और इसमें जो आरक्षण है दोस्तों, जो सरकारी नौकरियों में मिलता है वही अनुसूचित जाति 16%, ST का 12%, OBC 21, अति पिछड़ वर्ग MBC 5, EWS का 10, इसके अलावा महिलाओं के लिए देखिए 30%, दिव्यांगजन के 4%, भूतपूर्व सैनिक राशियों में 5%, अधीनस्थ और मांत्रालिक जो सेवा कर्मचारी उनके लिए 12.5%, और चतुर्थ श्रेणी सेवा में 15% आरक्षण यहाँ पे क्षैतिज रूप से जो ओरिजेंटली दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सभी नियुक्त सभी नियुक्ता जो एजेंसीज हैं उनके द्वारा संविदा कार्मिकों के संबंध में इस विभाग के परिपत्र दिनांक 24/2/2020 में निर्धारित प्रारूप में रोस्टर पंजिका संधारित यहां पे की जाएगी। और जो संविदा पर नियुक्त जो कार्मिक है वित्त विभाग की सहमति के उपरांत प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्धारित एक निश्चित वेतन प्रदान यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। जो भी वेतन वो तय करेंगे वो आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। अब इसमें कहा गया है दोस्तों कि जो दिशा निर्देश हैं, जो नियम हैं, इनकी क्रियान्विति के लिए एक टाइम बॉन्ड निश्चित किया गया है। वो क्या है टाइम बॉन्ड, तो पहला टाइम बॉन्ड इसमें दिया गया है कि जो भी निगम हो, बोर्ड हो, स्वायत्त संस्था हो, विश्वविद्यालय हो, तो इनको क्या करना होगा, प्रथम बैठक में ये अडोप्ट करने होंगे, इसके लिए 15 दिवस की अवधि रखी गई है। दूसरा है वित्त विभाग से जो पद सृजित करवाने होंगे उनके लिए भी 15 दिवस की अवधि रखी गई है। तीसरा यहाँ पर है दोस्तों, पहले से पद जो सृजित संविदात्मक पदों को राजस्थान सिविल सेवा नियमों के तहत दायरे में लाने के लिए जो अधिसूचित किए जाने की जो कार्रवाई है वो 15 दिन में की जाएगी, और संविदा कार्मिकों की स्क्रीनिंग किए जाने की कार्रवाई का समय होगा
है वो एक महीना। ठीक है, तो ये यहाँ पर है। इसमें देखिए समझने की बात ये है दोस्तों, इसमें आप लोगों की जानकारी के लिए हम बता दें, जो नियम थे वो पहले के ही हैं। इसमें क्या होगा, एक पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक विज्ञापन जारी किया जाएगा, विज्ञापन जारी करके उसके फॉर्म भरवाए जाएंगे, उसके बाद जो चयन प्रक्रिया है जिस भी तरीके से होगी वो अपनाई जाएगी। इसके अलावा संविदा पर आपका एक टाइम बाउंडेशन फिक्स होगा, आपको 1 साल रखेंगे, 2 साल रखेंगे, इसमें अधिकतम 5 साल तक रखा जाएगा, किसी भी परियोजना के खत्म होने से पहले जो भी हो 5 साल तक अधिकतम इसमें रखा जा सकता है। जो पहले से संविदा पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका भी दोबारा से अनुबंध किया जाएगा। अनुबंध का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। मान लीजिए आप किसी भी विभाग में लगे ना, आपको लगता है कि हमें 31 मार्च 2022 तक ही रखा जाना है, तो आपका एक टाइम बाउंडेशन तय किया जाएगा। ठीक है, ये है। और जो पहले से लगे थे उनको भी नवीन संविदा कर्मचारी माना जाएगा इस नियम के बाद। ये बड़ी बात इसमें है, 4th नंबर का जो पॉइंट है ये आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, सॉरी 4th और 5th का ये जो पॉइंट हैं ये बहुत ही काम के हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इन नियमों के तहत। अगर आप कुछ को समझ में नहीं आई हो कोई भी चीज़, तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जा कर के। और मोटा मोटी तौर पर अगर आप मेरा इसमें कमिटमेंट लेना चाहें, तो दोस्तों कमिटमेंट मेरा इन नियमों के लिए ये है कि एक तरीके से वो जो होता है ना दोस्तों, ऊंचे सपने दिखाने जैसी बात है, रियलिटी इन नियमों की शायद मुझे नहीं लगता इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद कि ऐसा कुछ होगा कि नियमित वगैरह का ऐसा कुछ, क्योंकि नियम इस तरीके से कर बताइए, जो पहले से लगा हुआ उसको भी नवीन संविदा कर्मचारी माना जाएगा। ठीक है, वेतन उसका बढ़ा देंगे पहले की सेवा के आधार पर, लेकिन नवीन उसको माना जाएगा। बताइए 5 साल इन्होंने कहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी एक स्क्रीनिंग करेगी, उसके बाद उसमें कुछ होगा, तो बताइए जब उसकी पहले की सेवा कोई नवीन सेवा से माना जाएगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या कुछ इन नियमों में है। खैर उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि काफ़ी समय हो जाएगा, वीडियो लॉन्ग हो रहा है। तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ये सेवा नियम है टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। इसके अलावा आप हमारे RNS एजुकेशन न्यूज़ का जो फेसबुक पेज है उस पर भी फॉलो कर सकते हैं, उस पर ये नियम मैंने 1-1.5 घंटे पहले ही अपलोड कर दिए थे। वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है लेकिन वहाँ पे पहले ही अपलोड कर दिए थे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। और वीडियो में कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या जो जानकारी दी गई वो आपको समझ में आई या नहीं आई। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।